आज के इस दिन में हम देखेंगे इस्कॉन के गृहस्थ भक्त की दिनचर्या। इस दिन में इस्कॉन के भक्त राधेश दास की दिनचर्या देखकर आप समझ सकते हैं कि अर्जुन की तरह हम भी भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन और बुद्धि लगाकर उनका स्मरण करते करते अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की टीवी सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे कोई अभिनेता भगवत गीता का उपदेश देकर बाहर जाकर सिगरेट पिए, उसी तरह राधेश दास सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे हैं, परंतु वो उनके वास्तविक जीवन में हर रोज इसी तरह ही जीवन बिता रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में रहने वाले भक्त भक्ति साधना करने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और घर में रहने वाले राधेश दास जैसे संसारी भक्त सुबह लगभग 5:30 बजे उठ जाते हैं। सुबह 5:30 बजे उठकर राधेश दास सबसे पहले अपने गुरु महाराज का स्मरण करके और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी कृपा से सारा दिन भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। उसके बाद राधेश दास स्नान इत्यादि प्रवृत्ति पूर्ण करके वैदिक परंपरा अनुसार धोती पहनते हैं और शरीर की पवित्रता के लिए और सामने वाली व्यक्ति को भी भगवान का स्मरण हो सके इसलिए शरीर पर तिलक लगाते हैं। ये है राधेश दास के धर्म पत्नी श्याम सुखदास देवी दासी, जो मंगला आरती के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। शास्त्रों की आज्ञा है तथा हरि भक्ति विलास ग्रंथ में बताए अनुसार अलग अलग संजोगों के अनुसार अलग अलग प्रकार से पूजा हो सकती है, जिससे गृहस्थ भक्त शक्ति और समय के अनुसार भक्ति करते हैं। आरती की तैयारी पूर्ण होने के बाद वो अपने घर में बनाए हुए सुंदर मंदिर में विराजमान भगवान श्री श्री राधा कृष्ण को जगा रहे हैं। उसके बाद वो दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि दंडवत प्रणाम द्वारा एक भक्त भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति स्वीकारने का भाव व्यक्त करता है। अब श्याम सुखदा देवी दासी शंख बजा रहे हैं और उसके बाद वे मंगला आरती करेंगे। इस्कॉन के गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा यह गुरुवाष्टकम रचित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा गुरुवाष्टक करेंगे, उन्हें अपना शरीर छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का लाभ मिलता है। स्कंद पुराण में भी वर्णन हुआ है, जब आरती हो रही हो तब भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने से मनुष्य के सहस्र कोटि वर्ष संचित पाप दूर हो जाते हैं। सुबह 6 बजे जब लोग माया के अंधकार में खोए हुए होते हैं, तब राधेश दास जैसे इस्कॉन के असंख्य भक्त भगवान की सेवा में मग्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की अर्चना करने मात्र से स्वर्ग गोलोक तीनों लोकों का स्वामित्व पृथ्वी की समस्त संपत्ति और सिद्धि सहज तरीके से मिल जाती है। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है कि जो मनुष्य
विष्णु की पूजा अर्चना में मग्न रहते हैं, वो भगवान के नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु रहस्य में दूसरा उल्लेख भी है, जिस तरह अनुचर राजा की सेवा करते हैं उसी प्रकार जो भगवान की सेवा के लिए व्यवस्था करते हैं वो निश्चय ही मरने के बाद कृष्ण लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में वचन देकर कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो तथा मुझे नमस्कार करो और इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। इसी तरह भगवान के धाम में जाने के लिए हर गंभीर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ऊंचे स्वर में इन 8 श्लोकों को हमेशा नियमित तरीके से गाकर मंगला आरती अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार श्याम सुखदा देवी दासी फिर एक बार शंख बजाकर 15 से 20 मिनट की इस मंगला आरती का समापन कर रहे हैं। इसी प्रकार सुबह आरती पूजा कीर्तन शंखनाद द्वारा राधेश दास के घर का वातावरण संपूर्ण तरीके से पवित्र एवं आध्यात्मिक बन जाता है। मंगला आरती पूर्ण होने के बाद अब वे तुलसी आरती की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वो तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद राधेश दास तुलसी आरती करेंगे। हमें तुलसी देवी को कभी एक साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए, परंतु यह समझना चाहिए कि तुलसी देवी भगवान के शुद्ध भक्त है और यह सेवा करने तथा मानव समाज को ऊपर उठाने के लिए इस संसार में कोमल पौधे के रूप में प्रकट हुए हैं। पांच सात मिनट की इस तुलसी आरती के समापन के बाद पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर तुलसी देवी के समक्ष हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं। बृहद नारदीय पुराण में वर्णित है कि कलह और दंभ के इस युग में भगवान के पावन नामों के जप करे बिना उद्धार प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं। इस प्रकार इस्कॉन के दीक्षित भक्त की तरह राधेश दास हर रोज कम से कम 16 माला का जप करते हैं। दीक्षा लेते समय किए हुए व्रत के अनुसार 16 माला सुबह ही परिपूर्ण करते हैं, जबकि उनके धर्म पत्नी 30 मिनट माला जप करने के बाद प्रसाद बनाने के लिए रसोई में जाते हैं। श्याम सुखदा देवी दासी अपने तथा अपने परिवार के आनंद के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाते हैं। भोजन बनने के बाद श्याम सुखदा देवी दासी श्री कृष्ण भोजन करेंगे, ऐसे स्मरण के साथ घंटी बजाते हैं और विनंती पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इस भोजन की हर वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है उसी अनुसार हम जो करते हैं, खाते हैं, अर्पण करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, जिससे हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी ओर राधेश दास हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला पूर्ण करने के बाद हर रोज नियमित तरीके से कम 30 मिनट श्रीमद् भागवतम का एकाग्रता और गंभीरता से अध्ययन करते हैं।
उसके बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है वो निश्चय ही पाप खाता है। लेकिन इस्कॉन के भक्त भगवान को अर्पित भोजन के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। प्रसाद सेवा के बाद राधेश दास वैष्णव वस्त्र बदलकर व्यवसाय जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार एक भक्त का सामान्य कार्य भौतिकवादी व्यक्ति के कार्य जैसा प्रतीत हो सकता है, मगर भक्ति द्वारा हृदय को शुद्ध करने से भक्त की मानसिक चेतना और दूसरे कार्य का उद्देश्य संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं उसी प्रकार अपना मन और बुद्धि भगवान की ओर स्थिर करके उनका चिंतन करते करते अपना कर्तव्य करने से हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह राधेश दास भी सदैव भगवान का स्मरण करके कृष्ण भावनामृत रहकर भगवान की आज्ञा का पालन करते करते अपने निर्धारित कार्य कर रहे हैं और इस तरह वह अपने व्यवसाय पर पहुंचते हैं तथा वो अपना व्यवसायिक कार्य भी खूब निष्ठापूर्वक और जवाबदारी पूर्वक निभाते हैं। राधेश दास अपने व्यवसाय द्वारा मिलती कमाई से अपने घर के निर्वाह के लिए जरूरी धन ग्रहण करके शेष धन शास्त्र आदेश अनुसार इंद्रिय तृप्ति में खर्च न करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। दूसरी ओर श्याम सुखदा देवी दासी अपने घर का कामकाज पूर्ण करके 16 माला पूर्ण करने में शेष रह गई मालाओं की शुरुआत करते हैं। घर की, पुत्र की, परिवार की इतनी जवाबदारी होने के बाद भी किसी भी तरह से वह हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करने के लिए समय निकालते हैं। आदि पुराण में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि जो मेरे दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं वह हमेशा मेरे ही सानिध्य में रहते हैं। या मैं तुम्हें निस्वार्थपूर्ण कहता हूँ कि ऐसे भक्तों के लिए मैं बिक जाता हूँ। अब राधेश दास अपने व्यवसाय का हर एक कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं। शाम होते ही व्यवसाय से घर लौटते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने से राधेश दास इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते भौतिकवादी व्यक्ति की तरह शाम को थककर लोथपोथ होने के बदले महामंत्र का रटन करते करते घर वापस लौटते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले राधेश दास अपने गुरु और श्री प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु को मेरे प्रतिनिधि के रूप में नहीं अपितु मेरे आत्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार दिव्य भाव से गुरु को प्रणाम करने के बाद राधेश दास भगवान को प्रणाम करते हैं। इन सब के बाद राधेश दास वापस वैष्णव परिधान धारण करते हैं तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ पुस्तक वितरण के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को वितरण करने वाला भगवान का सबसे प्रिय सेवक होता है। वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को जाता है। इस प्रकार राधेश दास किसी भी तरह से समय निकालकर सप्ताह में कम से कम 2 बार पुस्तक वितरण करने के लिए अवश्य जाते हैं। बहुत सारे घरों में उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य सच्चे ज्ञान के बिना तड़प रहे हैं।
हर व्यक्ति चिंता से परेशान रहता है, इसलिए बुद्धिशाली मनुष्य तुरंत ही यह पुस्तक देखते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन का परम कल्याण करते हैं। यहाँ पर श्याम सुखदा देवी दासी इस माता जी को मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, घर में रहकर भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब के लिए जानकारी दे रहे हैं और पुस्तक लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी ओर राधेश दास इस भाई को समझा रहे हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिला हुआ ये अनमोल शरीर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लेकिन भगवान को जानने के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है। इसी तरह दोनों पति पत्नी सामने वाले मनुष्य को खूब गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं, उससे प्रभावित लोग पुस्तक खरीदते हैं, पढ़ते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। इसके बाद बहुत बार राधेश दास और उनके धर्म पत्नी प्रचार करने के लिए दुकान दुकान भी जाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का ध्येय विस्मरण करके पैसा कमाने में व्यस्त दुकानदार भी लक्ष्मी जी का सदुपयोग नारायण की सेवा में लगाकर पुस्तक खरीद सके, पढ़ सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। बहुत बार राधेश दास को पुस्तक वितरण के वक्त कड़वे अनुभव भी होते हैं, तब भी राधेश दास वृक्ष की तरह सहनशील बनकर पुस्तक वितरण की सेवा अविरत चालू रखते हैं। इस भाई का ऑप्टिकल्स का खूब अच्छा व्यापार है और राधेश दास उनको खूब प्रेम पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान समझाते हैं। इसके बाद भी वो एक भी पुस्तक लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। राधेश दास के इस भाई को समझाने के सारे प्रयास निष्फल होते हैं, फिर भी राधेश दास सहज रूप से निराश नहीं होते हैं, परंतु राधेश दास वो पुस्तक न लेने के निर्णय को भगवान की इच्छा समझकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं और उसी उत्साह से दूसरी दुकान में प्रवेश करते हैं। अब इस दूसरी दुकान में राधेश दास पुस्तक लेकर जाते हैं और यहां पर राधेश दास को उस दुकान से अच्छा प्रतिभाव मिलता है। यह भाई खूब ध्यान से राधेश दास जो भी आध्यात्मिक उपदेश देते हैं उसे सुनते हैं और राजी खुशी से सब अलग अलग पुस्तक लेते हैं और वो भाई इन सब पुस्तकों में से सबसे ज्यादा रुचि भगवत गीता यथा रूप में लेते हैं और राधेश दास के पास से भगवत गीता खरीद लेते हैं। राधेश दास पुस्तक वितरण करते समय सबको उनके बुधवार को होने वाले सत्संग के प्रोग्राम में आने का निमंत्रण भी देते हैं। राधेश दास और श्याम सुखदास देवी दासी दोनों कोई भी भौतिक लाभ की आशा नहीं रखते हैं और घर घर दुकान दुकान जाकर निस्वार्थ भाव से पुस्तक वितरण करके लोगों के परम कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। अब यह है सूरत के नानपुरा की जीवन भारती स्कूल में राधेश दास द्वारा संचालित सत्संग का प्रोग्राम, जहां राधेश दास के मार्गदर्शन में 200 से 250 लोग भक्ति ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करना सीखते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का 30 मिनट कीर्तन होता है, जिससे आने वाले लोगों के मन विचार हरि नाम के प्रति केंद्रित होते हैं। कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है कि 32 अक्षरों का बना
16 शब्दों का यह महामंत्र कलयुग की अनिष्ट असरों का निवारण करने के लिए एकमात्र साधन है तथा सभी वेदों द्वारा यह स्पष्ट है कि जीवन रूपी महासागर तैरने के लिए पवित्र नाम के जप करने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए वहां उपस्थित सभी भक्त खूब हृदय पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और यह कीर्तन के बाद राधेश दास हर बुधवार को भगवत गीता के एक के बाद एक श्लोक लेते हैं और हर बुधवार को एक श्लोक पर 30 से 45 मिनट प्रवचन देते हैं। राधेश दास श्लोक को मनगढ़ंत विचारों से नहीं किंतु गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार और शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं। अभी कलयुग के प्रभाव के कारण अनेक जगह पर लोगों को धर्म के नाम पर लूटा जाता है क्योंकि वो अपने को भगवान साबित करने का प्रयास करते हैं और मूल भगवान श्री कृष्ण को पीछे रखकर अपना नाम व अपनी प्रतिष्ठा आगे रखने का प्रयास करते हैं। परंतु इस्कॉन एक प्रामाणिक और अधिकृत संस्था है जिसकी हर एक प्रवृत्ति भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर होती है और मृग तृष्णा के समान क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के सुखों के पीछे दौड़ते कलयुग के हर एक बद्ध जीवों को सुख का सच्चा मार्ग बताते हैं। राधेश दास भी अपने प्रोग्राम में यही गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्र के आधार पर प्रवचन देने की पद्धति पर ही चलते हैं। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की कृपा से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी हुई कृष्ण भावनामृत की पद्धति आज भी हमारे तक पहुंच पाई है और राधेश दास की तरह इस्कॉन के गंभीर और सन्निष्ठ भक्त इस भवसागर से लोगों को निकालने के लिए भक्ति की इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाने के लिए खूब गंभीर प्रयास करते हैं और इसी तरह से सत्संग प्रोग्राम के द्वारा धीरे धीरे लोग कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से माहितगार होते हैं। राधेश दास के बुधवार के इस सत्संग के प्रोग्राम में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बाद भगवद गीता का प्रवचन और उसके बाद उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण प्रसाद का वितरण किया जाता है। 200 से 250 लोगों के लिए बनाए हुए पूर्ण भोजन की एक भी चीज कोई भी होटल से मंगवाने में नहीं आती और कोई अभक्त द्वारा भी बनाई नहीं जाती, परंतु हर रोज की कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करने वाले भक्त ही इसे बना सकते हैं। 200 से 250 लोगों का प्रसाद बनाने की और उसकी व्यवस्था करने की सारी जिम्मेदारी राधेश दास के धर्म पत्नी संभालते हैं। इस तरह उनके मार्गदर्शन में सभी भक्तों द्वारा मिलजुल कर बनाया हुआ कृष्ण प्रसाद सच्चे अर्थ में श्री कृष्ण से अभिन्न होता है। इसी तरह हर एक भक्त सम्मान पूर्वक प्रसाद वितरण करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। इस तरह राधेश दास की जीवन की दिनचर्या को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि राधेश दास जैसे इस्कॉन के गुरुस्थ भक्त सुबह जल्दी उठकर पूरा दिन भगवत गीता यथारूप के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करते हैं और साथ में नौकरी व्यापार करके अपने परिवार जनों का पोषण भी करते हैं। इस तरह यह सभी भक्त होटल का अपवित्र खाने में, टीवी सिनेमा देखने में और व्यर्थ चर्चाओं में समय नहीं गंवाते हैं, बल्कि
ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में व्यतीत करते हैं और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण करने का प्रयास करके इस दुखमय जगत में से भगवान के धाम में जाने के लिए और अन्य जीवों का भी इस भवसागर में से उद्धार करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार हर एक जीव को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का खूब गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में अमल करने के लिए और साथ साथ उनकी शुरुआत करने के लिए हमारी नम्र विनंती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।